जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम दुबई एंड के लिए आए हैं, तो अभी हम अपना जो टूर है वो स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या उन्होंने फैसिलिटीज दी हैं और किस किस्म की जो है वो उन्होंने चीज़ें डेवलप की हैं। तो ये इस वक्त शाम के तकरीबन रात के 8 बज चुके हैं और अदरुल फ्लाइटिंग की है और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक वॉकिंग ब्रिज है जो कि जे बी आर से जो एन ब्रिज एन दुबई की तरफ जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट। जी अब हमने चलना स्टार्ट कर दिया। ये वॉकिंग ब्रिज है जो कि जे बी आर से एन दुबई की तरफ जा रहा है। एन दुबई बेसिकली एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में किसी ज़माने में जैसे पाकिस्तान में झूले होते थे, एक बड़ा झूला है और यहाँ पर उन्होंने एक बहुत सारे जगह बनाई। ये सारी की सारा एरिया जो है ये उन्होंने समंदर के अंदर डेवलप किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं देख रहे हैं और यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खूबसूरत व्यू है। और ये इसके दोनों साइड्स के ऊपर आपने अगर आप देखें तो आपको एक नज़र आएगा कि एक खूबसूरत बिल्डिंग डेवलप की गई है और एक बहुत ही दिलकश किस्म का नज़ारा है। और ये बीच के साथ साथ ये इन्होंने एक वुडन पाथवे बनाया है जिसके ऊपर हम चलते हुए दुबई आइन की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली दिस इज़ द पैसेज। हमारे इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि ये शो भी है, एक जो स्टार्ट होएगा इस शो में हम आपको दिखाएंगे और जो कि ड्रोन्स की मदद से बनाया गया है। ये मैं आपको बिल्डिंग्स का व्यू दिखा रहा हूँ। ये बीच है, ये बिल्डिंग्स हैं जो साइड पे और तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो समंदर के अंदर बनाई गई हैं। आप देख रहे हैं कि आज फ्राइडे का दिन है और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं तो विजिट करने के लिए और यहाँ पर खाने पीने के भी बहुत सारे आउटलेट हैं। और इसे आप देख रहे हैं कि खूबसूरत जगह है और बाकी अगर आप दुबई आएँ तो इसको ये देखने वाली जगह है, इसको हर लोग हर किस्म के लोग जो है इंजॉय करते हैं। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट की वॉक जो कि हम इस ब्रिज के ऊपर से चलते हुए वहाँ पर पहुँचेंगे। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि वॉक कर रहे हैं और कुछ लोग वापस आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और इसमें ये किनार की तरह किया जिसके अंदर उन्होंने चलें अब हम मूव करते हैं। और यहाँ पर तकरीबन रात के 9 बजे एक शो भी होगा जो कि बिल्कुल इस बीच के साथ साथ होगा ड्रोन्स के साथ। और ये सारे का सारा जो है 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा क्योंकि यहाँ पर दुबई फेस्टिवल शॉपिंग दुबई शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है। और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी जगह पर आपकी व्यू साइट सीइंग के लिए भी थोड़े थोड़े से एरिया भी डेवलप किए हैं साइट्स के ऊपर, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ लोग यहाँ पर नीचे जाके स्टेयर्स हैं और वहाँ पर जाके लोग फ़ोटोशूट कर रहे हैं। और ये बहुत ही दिलकश किस्म का नज़ारा है, इंतहा खूबसूरत व्यू है ये समुंदर के साथ। और एक जो छोटा सा बोट है वो भी वहाँ से गुजर रही है। बेसिकली ये बोट रेंटल बोट्स हैं जो कि हम तो पर आपको पूरे एरिया की सैर करवा। अभी हम जा रहे हैं इस पैसेज के ऊपर, अभी नॉट एंडेड। तो यहाँ पर तकरीबन हम पहुँचने वाले हैं जो कि मिराज का स्टार्टिंग पॉइंट है और ब्लू वाटर्स का भी। ये आप देख सकते हैं पीछे, अगर आप अभी हम जल करीब जाएंगे तो ये लिखा हुआ है वेलकम टू ब्लू वाटर्स। तो ब्लू वाटर्स का साइन भी है और वहाँ पर लोग हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर उन्हें बहुत सारे खाने पीने के आउटलेट जो हैं डेवलप किए हैं और बहुत सारे लोग। और अभी आप भी देखेंगे अब वी आर वेरी नियर टू दिस इज हॉट डॉग। हॉट डॉग भी एक आउटलेट है और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर हैं जो कि अपनी इवनिंग स्पेंड करने आए हैं। आज क्योंकि फ्राइडे का दिन है तो बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पर छुट्टी हैं। और ये बेसिकली
सीजन का सेकंड लास्ट फ्राइडे का, उसके बाद संडे को ऑफ वर्क रहेगा। तो इस आयोजन से गुजरते हुए हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे हार्ट ऑफ से हम लेफ्ट लेंगे। ये एक बेसिकली वॉकवे है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये वॉकवे है आप डाउन द स्टेयर और जो कि जहाँ से हम गुजर के और वो एरिया जो शिप है उस शिप के पास वो ड्रोन का शो होएगा। तो लेट्स सी स्टार्ट हो गया। अभी हम ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग की गई है और अफजन बिल्कुल ब्लू वाटर, वेलकम टू ब्लू वाटर। और खाने पीने के आउटलेट्स हैं और आप ये भी एक मैं आपको एक व्यू दिखाऊं कि यहाँ पर गाड़ियों की एक लंबी कतारें आप रोड के ऊपर देख सकते हैं कि गाड़ियों की बहुत ही लंबी कतार है जो कि ब्लू वाटर्स के लिए आ रही है और ट्रैफिक इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो और अब हम आपको ऊपर का भी ये नीचे कुछ एरिया जहाँ पर सिटिंग है बच्चों के लिए एरिया और इसके ऊपर उन्होंने ये लाइट्स जो हैं लिखा दिया है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो चलें अभी हम आपको इस फैसले से नीचे कर दिए चलते हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर खाने पीने के उपलब्ध हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और This is hard rock.